देखिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, भले ही आप हरियाणा पीजीटी म्यूजिक के लिए जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं वो बात नहीं है, बात ये है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझेंगे कि पर डे जो हमारे एग्जामिनेशन लेवल है ना उसको बढ़ाया जा रहा है और उसकी झलक आपको हरियाणा पीजीटी में भी देखने को मिलेगी। इससे पहले आप बीपीएससी ट्रिक की बात कर ले, उन्होंने 5 ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया, हालांकि 3.0 आते आते उन सारे ऑप्शन से आप फेमिलियर थे, आपने प्रैक्टिस की थी, हमने जो लगातार पिछले 3 दिन मैराथन लिए थे उसमें 5 ऑप्शन के साथ आपको बेहतरीन प्रैक्टिस की थी, उसको बावजूद भी आपके मैसेज आ रहे थे कि सर 5 ऑप्शन में कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन का लेवल है ना उसको पर डे बढ़ाया जा रहा है। इसी तरीके से जब आप हरियाणा में देखेंगे ना तो आपका 2 से 3 लेवल में आपकी पूरी सिलेक्शन की प्रक्रिया हो रही है, और ये मेन पेपर की बात कर रहा हूँ, इससे पहले आप टेट तो देना आपका अनिवार्य ही है। बात करते हैं हरियाणा पीजीटी म्यूजिक एग्जाम पैटर्न के ऊपर। स्वागत है आपका शिक्षा प्लेनेट पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कम कर रहे हैं, पता ना कम क्यों कर रहे हैं ये आप ही लोग जानते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी संगीत की कुछ भी वैकेंसी आती है उसको लेके आते रहते हैं, कुछ भी मिस नहीं करते हैं, डेडिकेशन के साथ लेके आते हैं, सबसे पहले लेके आते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। आइए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में कई सारी बातें को ध्यान में रखना जरूरी है और एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि भाई इतना चाहिए, ये करना है तभी सिलेक्शन मिलेगा, तभी सरकारी नौकरी मिलेगी। और जब हम हरियाणा पीजीटी की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी आपको ये सैलरी भी देते हैं और अच्छी जॉब प्रोफाइल भी होती है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल में, आइए समझते हैं। अभी ये जो पूरा नोटिफिकेशन आया है इसको हम लोग देखेंगे और कई सारी चीज़ें हैं, उसीलिए मैंने शुरुआत में बोला कि हो सकता है कि आप इस वैकेंसी को फिल ना कर पाए, फॉर्म इसका फिल ना कर पाए, बट देखिए इस चीज़ को, देखिए क्या क्या इसमें चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो ये कल के दिन निकला था, ठीक है, कल रात हो गया था, ठीक है, मैं वीडियो नहीं बना पाया था, देखते हैं क्या है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है फॉर्म से रिलेटेड, कल से डेट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, परसों से जो है आपका फॉर्म ओपन हो रहा है, कल इसका नोटिफिकेशन आ गया था, और 14 यानी आज़ादी एक दिन पहले तक आप जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे, ये अभी तक के लिए इन्फॉर्मेशन है, हालांकि 1-2 दिन बढ़ता है कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए हम हमेशा से कहते हैं ना कि कहीं भी टेट हो रहा है ना उस टेट को आप दीजिए, क्योंकि कब कहाँ कैसी वैकेंसी आ जाए इसके बारे में आपको पता नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बात करूँ, संगीत की वैकेंसी कम ही आती है, उत्तर प्रदेश की बात कर ले 14-15 वैकेंसी आती है, लेकिन आप हरियाणा में देख लीजिए लमसम 91 वैकेंसी, आप मेवात कैडर और आरओएच को मिला दे तो 91 पद जो हैं वो संगीत के लिए आए हुए हैं, और संगीत में इतने पद बहुत ज़्यादा पद हैं। हालांकि यहाँ की टेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने ऐसे रख दी थी कि आप चाह कर भी इसको फिल नहीं कर पाते, क्योंकि इन्होंने बीएड मांग दिया था। अब बीएड संगीत में कहीं नहीं मांगा जाता है, कोई करता भी नहीं है, लेकिन इन्होंने मांग दिया था। खैर आइए देखते हैं आगे, टोटल अगर पद की बात करूं तो 91 पद हैं। आइए देखते हैं आगे, और चलिए यहां से कुछ चीजें आपको ध्यान में रखने वाली बात है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन को जरा ध्यान से आप पढ़िएगा तो आप समझेंगे कि हिंदी अनिवार्य है, या तो आपका 10th में हिंदी हो, या संस्कृत हो, या 12th में हो, या बीए में हो, या एमए में हो, हिंदी एक आपका विषय रहना चाहिए, अपने जीवन काल में हिंदी आप पढ़े हुए चाहिए बोर्ड लेवल पे या आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है, इसके अलावा स्टेट तो चाहिए ही चाहिए, बिना हरियाणा डेट के हो नहीं पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हम लोग संगीत पे आ जाते हैं, संगीत के बारे में क्या कह रहा है और इसमें क्या दिक्कत है ना, और क्यों ये लोग समझ नहीं रहे, थोड़ा इस पर हम लोग बात करते हैं, क्यों ऐसा बार बार हो जाता है संगीत वाले विद्यार्थियों के साथ, मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, पीजीटी म्यूजिक के लिए इन्होंने कहा है कि एमए म्यूजिक विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप ये देख रहे हैं, जस्ट इसी के नीचे देखिए फिजिकल एडुकेशन के बारे में इन्होंने क्या किया है, और यही मेरी आपत्ति वाली बात हो जा रही है। फिजिकल एडुकेशन के लिए कह रहे हैं कि एमए इन फिजिकल एडुकेशन और एमपीएड बिल्कुल सही है, 50% मार्क भी सही है, एंड बैचलर ऑफ फिजिकल एडुकेशन बीपीएड और डिप्लोमा इन फिजिकल एडुकेशन, ठीक है, और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जब आप फिजिकल एडुकेशन के लिए जाते हैं, मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ पे बात करूँ, ये क्यों मैं इस मुद्दे पे इतना बात करना चाहता हूँ,
जब आप फिजिकल एडुकेशन के लिए जा रहे हैं तब आप वहां पे दिख रहा है कि डिप्लोमा भी लग सकता है, तब आपको दिख रहा है कि कोई अदर इक्विवेलेंट डिग्री भी लग सकती है, इक्विवेलेंट डिप्लोमा कोर्सेज भी लग सकते हैं, लेकिन वो चीजें आपको संगीत में नहीं दिखाई दे रही है। जबकि संगीत में इतना हो हल्ला मचता है कि प्रभाकर हो गया आपका, चंडीगढ़ से भी शरद हो गया, तो वो जो लोग करते हैं, हालांकि ये तो मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रवीण लोग करते हैं, अलंकार लोग करते हैं, समझ रहे हैं ना, तो वो भी 7 साल 8 साल की कोर्सेज कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंच रहे हैं संगीत में, तो वो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन फिजिकल एडुकेशन में आपको दिखाई दे दिया कि डिप्लोमा या कोई अदर इक्विवेलेंट डिग्री लग सकता है, सर्टिफिकेट लग सकता है, संगीत में क्यों नहीं दिखाई दिया आपको? ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं, तो ये म्यूजिक के बारे में है। इसके बाद जब आप एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न के ऊपर जो है इन्होंने कुछ चीजें ले रखी है, उसके ऊपर ये बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आइए देखते हैं हम एग्जाम पैटर्न के ऊपर। अब देखिए, पहला है स्क्रीन टेस्ट की ये बात कर रहे हैं, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, टाइमिंग इसकी 2 घंटे रहेगी, एक जो नंबर होगा एक क्वेश्चन एक नंबर के लिए होगा, इस प्रकार से आप देखेंगे तो टोटल 100 नंबर हो जाएंगे। यहाँ तक भी बातें सही है, लेकिन जो मैं कह रहा था ना कि लेवल किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, इस चीज को देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में ये कह रहे हैं कि टोटल 5 ऑप्शन होंगे, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि इफ अ कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन ही स्लैश ही शैल हैव टू डार्कन द एप्रोप्रिएट आंसर ए बी सी डी, इफ नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन सी शैल हैव टू डार्कन ई। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है तब तो आप ए बी सी डी जो सही होगा वो सही कर देंगे, लेकिन बाय द वे आप क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं कर रहे, क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, उस केस में भी आपको मार करना है ई ऑप्शन, ई ऑप्शन में छोड़ रहा हूं, बताना है कि ऑप्शन में छोड़ रहा हूं। आगे देखते हैं, अगर 5वां सर्कल आपने सर्कल नहीं किया, गोला नहीं बनाया, तो आपका यहां पर भी 1/4 नंबर कट जाने वाला है। आगे देखते हैं, अगर ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा कैंडिडेट है, एनी कैंडिडेट नॉट डार्कन एनी 5 सर्कल इज मोर देन 10 क्वेश्चन, अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो कि 10% क्वेश्चन को छोड़ता है और 5वां सर्कल को नहीं बताता है कि मैं 10% क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं, 10% क्वेश्चन से ज्यादा छोड़ देता है वो, तो उस केस में उनको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा, पेपर से ही हटा दिया जाएगा, यहीं पर आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। आगे देखते हैं, ये तो सही है, ये जो पॉइंट है कि 1/4 मार्क आपका कटेगा। पेपर का मीडियम जो है बायोलॉजी केमिस्ट्री होम साइंस मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के लिए जो है ये सिर्फ इंग्लिश रखेंगे, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन खासतौर पर अच्छी बात है कि अगर आप संगीत के छात्र हैं तो आपके लिए दोनों लैंग्वेज में पेपर रहेगा, प्रिपरेशन के लिए आप परेशान ना हो, चैनल संगीत के लिए डेडिकेटेड है, कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, वीडियो के एंड में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने बात किया है कि कैंडिडेट को एडवर्टाइजमेंट के 4 टाइम्स बुलाया जाएगा और कम से कम वो 25% जो नंबर है वो स्क्रीनिंग टेस्ट यानी जो पहला इनका टेस्ट है उसमें कम से कम 25% नंबर जब वो लाएंगे तभी वो दूसरे टेस्ट यानी जो सब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें अटेम्प्ट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी जो पहला टेस्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन आ रहे उसमें 25% नंबर लाना आपका अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज के टेस्ट पे जिसकी ड्यूरेशन इन्होंने 3 घंटे रखी है, टोटल नंबर जो है 150 नंबर का ये पेपर होगा, वही बात है सेम वही चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि नंबर मिनिमम 35% नंबर इसमें चाहिए, यानी 10 इसमें कितना मांगा था इन्होंने, इसमें इन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट में इन्होंने 25% नंबर मांगा था जो आपका स्टेज 1 होगा, अगर स्टेज 1 होता है और इसके बाद स्टेज 2 में आते हैं तो स्टेज 2 में अगर आप 35% लाना नंबर आपका अनिवार्य है तभी जो है आप स्किल टेस्ट यानी प्रैक्टिकल एग्जाम इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, अगर आपका 35% नंबर नहीं है तो आप कॉल किए नहीं जाएंगे। अब ये जो है इसमें आप देखेंगे तो 87.5% नंबर जो है ये सब्जेक्ट टेस्ट को दिया जा रहा है, ऐसा क्यों है इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ये इंटरव्यू और वाइवा लेने वाले हैं इंटरव्यू का जो वेटेज दिया है उन्होंने 12.5% दिया है,
12% और 87% मिलकर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। ध्यान रखेंगे कि जो स्टेज वन हो रहा है, स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, उसमें किसी प्रकार का मेरिट पे उसका असर नहीं पड़ेगा। वो एक क्वालिफाइंग पेपर आप समझ सकते हैं, जिसमें 25% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप स्टेज सेकंड के लिए जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि आप इस वीडियो को देखिए, आप पता चलेगा कि लेवल को किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये तो पीएचसीएल की बात की गई है। इसी के बाद अब यहाँ पे एक एज लिमिट की बात कर दी गई कि 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 42 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलता है एज में, उस यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा क्या है कि अगर आप हरियाणा के हैं शेड्यूल कास्ट, तो 5 साल का मिलेगा। बैकवर्ड कास्ट हरियाणा के हैं तो 5 साल का मिलेगा। अगर आप डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने कहीं के भी हो, यहाँ पर हरियाणा मेंशन नहीं किया है, हुआ है, तो अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और भी कुछ चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर आप मिलिट्री पर्सन की वाइफ हैं तब भी 5 साल मिलेगा, विधवा है तभी 5 साल मिलेगा, तो ये सारी चीजें हैं। अनमैरिड वुमेन है तब भी आपको 5 साल मिलेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, आपको यहाँ पर भी रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा अगर आप हरियाणा के नहीं भी हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो आप शेड्यूल कास्ट हरियाणा का होना चाहिए। अगर आप अदर बैकवर्ड कास्ट का लगा रहे हैं तो भी आपका हरियाणा का होना चाहिए। उसके अलावा और भी कुछ स्पेशल रिजर्वेशन दी जाती है, उसमें कहीं भी हरियाणा का जिक्र नहीं है। आप कहीं से भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये कुछ अपडेट था पूरा एग्जाम पैटर्न के बारे में, हमने समझा 3 हिस्सों में आपका एग्जाम पैटर्न हो रहा है। मैं आपको एक बार समराइज करके यहाँ पे बता देता हूँ। पहला जो हिस्सा है उसमें ये है कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपके 25% नंबर लाने अनिवार्य है, तभी आप सेकेंड सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए जा पाएंगे, बीसेट परीक्षा के लिए जा पाएंगे, जिसमें आपका 35% नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप इंटरव्यू के लिए जा पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुकी हैं, जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एप्लीकेशन पे आप एडमिशन शुरू हो चुका है, आप इनरोल कर सकते हैं। जल्दी सर आएंगे, जिसके बारे में इसका जो डिटेल सिलेबस उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और किस तरीके से क्लासेस हमारी जाएंगी वो आप देखेंगे। फिलहाल के लिए आप ये नंबर शो हो रहा है, इस पर कॉल करके क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपनी भावनाओं को कमेंट में जरूर व्यक्त करिए। धन्यवाद।